नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले जनरल कोच, फिर स्लीपर कोच, उसके बाद थ्री एसी के बारे में, अब मैं टू एसी के बारे में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि इस कोच को कैसे पहचाने कि ये टू एसी है और सेकंड क्लास एसी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है, इसमें भी दो ही गेट होते हैं, इसमें सीट की संख्या 52 होती है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कोच के बाहर में एसी टू टायर, उधर उस साइड में हिंदी से लिखा होगा वातानुकूलित टू टीयर। तो एसी टू टायर का मतलब है ये सेकंड एसी है, सेकंड एसी टू टायर है, इसके अंदर में कोच सीट की संख्या 2 होती है अपर और नीचे। और सीट का अरेंजमेंट देखिए, इधर एक नंबर है, मैं इसको भी पहले बता चुका हूँ, 1 से 52 तक है, मतलब इधर एक नंबर सीट है, आप लोग कन्फ्यूजन ना करें और आराम से चढ़ें और इसके माध्यम से आप लोग सीट का चयन कर सकते हैं कि किधर आप लोग को इजी पड़ेगा लगे ले आने में। और मैं थोड़ा अंदर के में दिखा देता हूँ कि कैसे टू टायर कोच होता है। इसका नेम कोड दोस्तों, एक अंदर जाने से पहले मैं दिखा देता हूँ, इसका नेम कोड है दोस्तों A1। ये से स्टार्ट होता है टू टायर कोच, जहाँ भी आप स्टेशन में बोर्ड में देखे हैं वहाँ अगर A1 का इंडिकेशन, A2 का इंडिकेशन है, मतलब यहाँ टू टायर लगेगा, तो आप वहाँ पर रुकें और कोच में आसानी से चढ़ें। देखिए ये A1 लिखा हुआ है और ये आपका नेम बोर्ड है, कोच का ट्रेन का नंबर है और ट्रेन का नाम है, कौन सा कहाँ का ट्रेन है वो आपको लिखा रहेगा। और ये आपका कोच का नेम बोर्ड है, A1 लिखा हुआ है, मतलब ये A1 कोच है, टू टायर का पहला कोच है। तो मैं आप लोगों को अंदर कोच में टू टायर का सीट कैसे होता है और कैसे पहचाना कि ये टू टायर ही कोच है, मैं अंदर घुसने के बाद जान पाइएगा, तो मैं आप लोगों को अंदर में दिखाना चाहता हूँ। आइए मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है कि जैसे ही आप अंदर घुसिएगा, दोनों साइड सीट्स में पर्दे लगे होते हैं, आपको केबिन पूरा पूर्ण रूप से ढकने के लिए पर्दा लगा होता है। आप इससे भी देख करके पहचान सकते हैं कि ये टू टायर कोच में मैं इन कर गया हूँ, ये टू टायर कोच है। थ्री टायर कोच का टिकट आपका है तो आप इस कोच से भी बाहर निकल के अपना कोच पर जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, इसमें दो सीट इधर होते हैं, दो सीट इधर होते हैं, दो सीट साइड अपर और लोअर में होते हैं। तो ये देखिए, एक अपर सीट हो गया, ये लोअर सीट हो गया, ये फिर अपर, ये लोअर। ये देखिए नंबरिंग यहाँ पर किया हुआ है, आप एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर नीचे वाला, दो नंबर ऊपर वाला, एरो मार्क भी किया हुआ है, तीन नंबर इधर नीचे वाला, चार नंबर ऊपर वाला, और इधर साइड लोअर और साइड अपर होते हैं। तो ये सीट का है, आप इसे ही पहचान सकते हैं कि ये कोच जो है सो टू टायर कोच है। और बाकी तो सारा लाइट उट जो थ्री टायर में है बस वैसा ही, इसमें भी है, कूलिंग मोड सारा चीज वही है। देखिए पूरे कोच में ऐसा ही है, दो कुपा बना हुआ, एक कुपे में चार सीट होते हैं, अपर लोअर, और ये साइड लोअर है, ये देखिए साइड लोअर, ये साइड अपर है, इसे भी पर्दे लगे होते हैं, आप आराम से अपना पर्दा बंद करके अपना सो सकते हैं ताकि इससे किसी लाइट उट से परेशानी ना हो। तो इसका सबको मैं इंडिविजुअल चार्जिंग भी रहता है, किसी किसी जो पुराने कोच से आए हैं, पुराने मॉडल से जो है 2015 से पहले का, 2018 से पहले का, उस सब में चार्जिंग पॉइंट का थोड़ा कमी रहता है, बट अब जो नया मॉडिफिकेशन का कोच आ रहा है RDSO द्वारा प्रमाणित, वो सब कोच में सब में इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट दिया रहता है। ये देखिए A1 है, मैं अगला कोच दिखाता हूँ, टू टायर का ही मार्क को A2 के रूप में किया गया है, तो आप वहाँ से भी पहचान सकते हैं कि ये A1 कोच है। अपना जिस कोच में सीट रहेगा आपको, A1 या A2, आप A3 A4 जिसमें भी है, आप उसमें के में जाके चढ़ें और आराम पूर्वक अपना। देखिए दोस्तों, ये A2 लिखा हुआ है, मतलब ये टू टायर का दूसरा नंबर कोच है। जिस कोच में ज़्यादा कोचेस होते हैं जिस ट्रेन में, उसमें A3 तक भी होता है, A4 भी होता है, तो इसमें A2 तक ही कोच है, तो ये A2 कोच है। इसमें आप A2 का में आपका सीट हो तो आप इस कोच में अपना चढ़ करके सीट जहाँ है अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और एक बेल आइकन दबा दें और उसमें ऑल पर क्लिक करके इसलिए करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग तो सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए।